हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल। आप सब कैसे हो? यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह निकालने स्टार्ट किए हैं जो मैंने कल वॉश किए थे, और यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं आलू बॉयल करने के लिए और टमाटर वगैरह कट करने हैं, क्योंकि मुझे आज सिर्फ टमाटर ही यूज़ करने हैं तड़के में। प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डालना होता है, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ व्रत का खाना। और यहाँ पर कपड़े वगैरह फिर से उठा रही हूँ और इनको उठाकर बेड पर रख दूँगी, और बाद में मैं इनको फोल्ड कर लूँगी। अभी तो जस्ट ऐसे रख दूँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, फिर लेट हो जाऊँगी। तो कुछ कपड़े थे मेरी बेटी के, तो मुझे लगा चलो वो आज घर पे है तो उसी के रूम में रख देती हूँ, तो वो फ़ोल्ड कर लेगी। तो उसने तो फ़ोल्ड किए नहीं थे, बाद में जाकर मैंने खुद से ही फ़ोल्ड किए और फिर खुद से ही अलमारी में रख दिए थे। तो अभी जस्ट चली जाऊँगी मैं किचन में। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर मैंने ना टमाटर चॉप करना शुरू किया है, क्योंकि आज मैं जो खाना बनाने वाली हूँ ना, सिर्फ उसमें टमाटर ही डालूँगी, प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि व्रत का खाना मैं बना रही हूँ। और खाने में बनाने वाली हूँ राइस, आलू की चपाती, और चपाती जहाँ पता नहीं मुझे उसको क्या बोलते हैं, बस मैं बनाने वाली हूँ उसको। और साथ में आलू और सेब टमाटर की सब्जी। और बता देती हूँ कि मैंने व्रत वगैरह नहीं रखा है, जस्ट मेरा मन कर रहा था कि मैं व्रत का खाना बनाऊं, तो मैं बना रही हूँ। तो अभी चलते हैं किचन में। और यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है और उसके अंदर तेल और जीरा डाल दिया है। इसको मैं थोड़ी सी खनक की आवाज़ आ जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर मसाला डाल दूँगी टमाटर का। जैसे कि आपको पता है कि मैंने टमाटर ही डालना है, ये है साबूदाना, इसकी मैं बनाने वाली हूँ खीर। पहले मैंने कुछ और सोचा था, फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने फिर सोच लिया चलो आज खीर ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह डाल दिया, इनको फ्राई करूँगी, इसके बाद फिर इसमें जो भी सूखे मसाले हमारे होते हैं वही डालने हैं। और यहाँ पर कड़छी वगैरह या स्पून, पता नहीं क्या मैं ढूंढ रही हूँ, तो बस अभी मैं ऐसे करके थोड़ा बहुत मैं दिखा रही हूँ आपको। ज़्यादा व्लॉग मैंने बड़ा नहीं किया, वेस्ट है इतना बड़ा व्लॉग बनाना, और वैसे भी आजकल ना व्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो रहा, तो इसीलिए मैं कभी कभार अपलोड कर देती हूँ के चैनल में दिखना चाहिए, अदरवाइज़ मेल आ जाता कि आपके वीडियो नहीं आ रहे, ये है वो है फलाना है धमकाना है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मेरे आलू वगैरह बॉयल्ड हो चुके हैं, अभी इनका स्किन निकालूंगी और इनको मैश करूंगी, और फिर मुझे बनाना है आटा भी बनाना है। आटा मुझे राइस फ्लोर का जो स्मैश आटा होता है ना, कुछ स्माक पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, राइस फ्लोर का कुछ मिक्स करके आटा मैं बनाती हूँ। तो उसकी मैं चपाती, उसको पैनकेक भी बोला जा सकता है, जहाँ अगर पैनकेक की तरह बनाना है घोल करके तो पैनकेक, अदरवाइज़ गूंद के मक्की की रोटी की तरह बना लो, ये बहुत मुश्किल से जुड़ता है, इसीलिए इसके अंदर मैंने आलू डाल के ही बनाई। फिर चपाती, इसको कलरफुल भी बनाया जा सकता है, जो मैं रोटी बनाने वाली हूँ इसके अंदर मैं मतलब कलरफुल, अगर कुछ आप और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं मैश करके तो वो डाल के बहुत अच्छी सी स्वादिष्ट सी ये रोटी बनती है। मैं तो आज प्लेन सी सिंपल सी बना रही हूँ, तो कभी फिर मैं आपके संग वो रोटी शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे मेरा हो गया है काम, और अभी आप मेरा वीडियो इंजॉय करें। और मैंने हाँ आज थाली भी शेयर की है, पता नहीं शेयर मतलब शूट कर ली है, शेयर भी की आज दोपहर को, शाम को शेयर की थी, लेकिन फिर उसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया, मेल वगैरह आ गया, वीडियो सही नहीं है करके कुछ प्रॉब्लम था, तो हो जाता है, तो अपलोड की हुई वीडियो को फिर डिलीट करना पड़ता है, जहाँ फिर उसमें जो म्यूज़िक होता है, जहाँ उसको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर से हमें अगेन अपलोड करना पड़ता है। तो उसकी वजह से फिर मैंने कल अपलोड पहले रात को की थी, फिर थोड़ी देर के बाद की, उसके बाद फिर से एडिट किया, फिर मैंने जाके सुबह में अपलोड की है। तो देखती हूँ ये वीडियो भी तो मेरी ठीक चल रही है, उसका कोई भरोसा नहीं है, मेल वो कभी भी भेज देते हैं, तो अभी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैंने सुबह भेजी थी, अभी इस वीडियो को मैं एडिट कर रही हूँ। व्लॉग मैंने परसों शूट किया था, बट अपलोड आज मैं करूँगी, क्योंकि मुझे एडिटिंग के लिए भी टाइम नहीं लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा
मतलब बिजी शेड्यूल रहता है बच्चों के संग, हस्बैंड के संग, और घर पे अगर हस्बैंड होते हैं जहाँ टीवी वगैरह चलता है तो वीडियो एडिट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है, और इसमें आटे में मैंने अजवाइन डाली है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और थोड़ा सा मैंने घी डाला था, वो कटोरी में निकाल के रखा हुआ है वो। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कैसे करके गूंद रही हूँ। इसमें पानी थोड़ा सा ही लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। और बस इसी तरीके से मैंने आज का जो ब्लॉग था जैसे तैसे करके कंप्लीट किया। तो बस अभी आप मेरा वीडियो एंजॉय करें। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में, और कपड़े वगैरह इसके फोल्ड किया और अलमारी में रख दिया, और वो मैंने क्लिप कट कर दिया। शूट तो कर लिया था लेकिन फिर वीडियो मैंने देखा कि मेरा सही नहीं लग रहा, तो फिर मैंने कट कर दिया। और बेटी के पास ही थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट ले रही हूँ, उसके बाद मैं अपना जो रोटी वगैरह बनानी है वो ही बनाऊँगी, बाकी सब खाना बन चुका है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।